हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे थे, जिसमें बाकी हमने इम्पेरेटिव शुरू किए थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या पहचान होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की? हमने कहा जो वाक्य है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डू नॉट से शुरू होते हैं, वो वाक्य कौन से वाक्य कहलाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। कल भी हमने इसके वाक्य किए थे, आज फिर कर रहे हैं। Our teacher said to us, do not waste your time. तो देखो इसमें do not का प्रयोग हुआ है। जब do not का प्रयोग हो तो याद रखना है do not I तथा प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो। ध्यान रख लेना इस बात का, do not I और प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो तो ये वाक्य दो तरह से बनेंगे, दो तरह से। हमने उसके लिखा भी था नियम में, एक तो होगा फॉरबेड लगाकर, एक ऑर्डर्ड एडवाइज्ड आदि लगाकर। यानी जब डू नॉट आता है तो वाक्य दो तरह से बनेंगे, हम दोनों तरह से वाक्य को देखेंगे। जब डू नॉट आए तो आपको एक ही बात याद रखनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो। तो ये हमने लिख दिया आंसर नंबर एक, ओवर टीचर सेड टू, जब डू नॉट आए तो वाक्य दो तरह से बनते हैं। हम सबसे पहले बना रहे हैं फॉरवर्ड से, तो ओवर टीचर जहाँ सेट टू है उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? फॉरवर्ड लगा देंगे। ओवर टीचर, फॉरवर्ड का अर्थ ही होता है मना करना, फॉरवर्ड अस। फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है? मना करना। तो प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह ना हो, डू नॉट से वाक्य आता हो, दो तरह से बनेगा। जब फॉरवर्ड से बनेगा तो याद रखना है डू नॉट को हटाकर टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है। डू नॉट को हटा कर क्या लगाना है? टू। तो जब फॉरवर्ड यहाँ लगा दिया हमने सेट टू के स्थान पर, तो इस डू नॉट को हटा दो और कनेक्टिव वर्ड किसको जोड़ दो? टू को जोड़ दो। डू नॉट हट गया, टू लग गया, फिर क्या आ रहा है? वेस्ट। फिर योर है क्या? योर पर्सन सेकंड है, सेकंड पर्सन कहाँ से बदलना है? अस से। योर सेकंड पर्सन है तो आ गया यू, योर यू। अस से बदलना है, अस की टेबल क्या है? वी, ओवर और अस। योर के सामने कौन आ गया? ओवर आ गया, तो वेस्ट ओवर टाइम आ जाएगा। आगे बात समझ में? जब डू नॉट से शुरू हो, प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो, तो सेट टू के स्थान पर क्या लगा दिया? फॉरवर्ड। और डू नॉट को हटाकर क्या लगाना है? टू लगाना है। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो फॉरवर्ड लगाना है, जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू नॉट हटाकर क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। इसका आंसर नंबर दो, क्योंकि टेंथ में अगर पूछा जाए तो इसके आपको लिख के दे देगा, तो फिर फॉरवर्ड नहीं लगाना है। जब फॉरवर्ड नहीं लगाना है तो या तो ऑर्डर लगाना है, या एडवाइस लगाना है, या आस लगाना है वाक्य पढ़ने से। तो अध्यापक हमें यहाँ पर क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। सलाह दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं अगर हमें फॉरवर्ड से नहीं, हमें तो एडवाइस से बनाना है। ओवर टीचर एडवाइज्ड अस, तो एडवाइस लिख दिया। वहाँ देखो इसी का ही आंसर बता रहा हूँ, यहाँ हमने फॉरवर्ड लगाया, यहाँ हमने क्या लगा दिया? एडवाइस। जब इसमें फॉरवर्ड लगाएंगे तो ये नियम लगाना है, एडवाइज ऑर्डर लगाएंगे तो डू नॉट को हटाकर नॉट टू लगाएंगे। डू नॉट को हटाकर क्या लगाना है? नॉट टू। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड लगाया तो टू लगाया, लेकिन एडवाइज लगाते हैं इसी वाक्य में, डू नॉट वाले वाक्य में। तो यहाँ पर डू नॉट को हटाकर किसका प्रयोग करना है? नॉट टू का। किसका प्रयोग करना है? इसी वाक्य को देख रहा हूँ मैं, डू नॉट को हटकर नॉट टू लगाया, एडवाइज लगाया, फॉरवर्ड लगाया तो टू लगाया, जा लगना है। वेस्ट का वेस्ट आ जाएगा,
योर बदला ओवर में अभी बदला था ऊपर, और टाइम का क्या आ गया, टाइम आ गया। ये दोनों ही वाक्य हैं इसके। आपको कुछ ना दे तो आप पहला वाक्य फॉर्मेट से बना दो, सरल है, फॉर्मेट लगाया, टू लगाया। अगर एडवाइस लिखा हुआ हो, ऑर्डर लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर डू नॉट को हटाकर किसका प्रयोग करना है, नॉट टू का प्रयोग करना है। आगे बात समझ में ये, द जज सेड पुट द मैन इन प्रिजन। वाक्य किससे शुरू हो रहा है, पुट से। पुट अपनी क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो जज हमेशा आदेश देगा, जज क्या देगा, आदेश देगा। द जज ऑर्डर्ड, आदेश देगा, पहचान लिया हमने, द जज ऑर्डर्ड। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है तो वहां पर हम वर्ब से पहले किसका प्रयोग कर देते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो इसलिए टू लगा दिया, टू पुट दैट मैन इन प्रिजन। जज ने आदेश दिया उस व्यक्ति को जेल में डाल दो, तो वहां पर अपने को ऑर्डर्ड लगा दिया। तो यहाँ पर पुट वर्ब से पहले टू कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। चले आगे, टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट शाउट इन द क्लास। फिर डू नॉट से शुरू हो गया वाक्य, वाक्य डू नॉट से शुरू होता है, पर्सन वाचक चिन्ह ना हो तो ये नियम लगा रखा है आपने, क्या लगा रखा है, टीचर। ये भी दोनों तरह से बताऊं, पहला नंबर आंसर, सेड टू के स्थान पर क्या लगा दिया, फॉरबेड, टीचर फॉरबेड स्टूडेंट्स, फॉरबेड लग गया तो डू नॉट को हटा दो, एक चीज जोड़नी है, वो क्या जोड़नी है, टू शाउट इन द क्लास। यानी ये मना करने वाली बात इसने प्रारंभ के कथन में कर दी, इसलिए यहाँ नॉट की जरूरत नहीं है। फॉरबेड का अर्थ ही क्या होता है, फॉरबेड का अर्थ होता है मना करना, फॉरबेड मतलब कि मना करना, मना जब आगे कर रहा है तो पीछे करने की जरूरत नहीं है। अब इसी वाक्य को अगर हम एडवाइस या ऑर्डर से बनाएं, यानी इसका आंसर नंबर दो देख रहे हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट शाउट इन द क्लास, कक्षा में मत चिल्लाओ। यहाँ टीचर आदेश दे रहा है, तो टीचर आदेश दे रहा है तो क्या लगा दिया, ऑर्डर स्टूडेंट्स। अपने को देखना है, आदेश है, एक सलाह है, वो अपने को ध्यान रखना है। जब हम ऑर्डर लगा देंगे तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने टू लगाया था, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, नॉट टू शाउट इन द क्लास। दो वाक्य हैं, आंसर दो, एक वाक्य की पहले के ही दो आंसर लिखे हुए हैं, दो आंसर हैं, इसके भी दो आंसर है, ध्यान रखना है कैसे आंसर दो अलग अलग करती है हमने, समझ में आ गई ना। ये एक डू नॉट वाली है जिसमें दो आंसर आता है, शी सेड टू द हेड मास्टर प्लीज गिव मी स्कॉलरशिप, कृपया मुझे स्कॉलरशिप दें। प्लीज से शुरू हो रहा है वाक्य, प्लीज के बाद देखें तो गिव क्या है अपनी, गिव अपनी क्या है, क्रिया है, क्रिया से शुरू हो गया फर्स्ट फॉर्म से, तो प्लीज काइंडली आए तो क्या ध्यान रखना है, सी क्या है लगना है, क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड द हेड मास्टर प्लीज काइंडली आए, तो किसका प्रयोग करना है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। प्लीज काइंडली हट गया, जोड़ना किससे है, टू से, यू का क्या आ गया, यू आ गया, मी पर्सन कौन सा है, आई माई मी, मी पर्सन कौन सा है, आई माई मी, कौन से पर्सन में जाएगा, फर्स्ट पर्सन में, जो कि कहाँ से बदलना है, पहले स्थान से, पहले स्थान पर सी लिखा है तो सी हर, हर अपने पास यहाँ मी है क्या, तो मी के सामने कौन आ गया, हर आ गया, टू गिव हर ए स्कॉलरशिप। तो इस प्रकार हम इंपेरेटिव सेंटेंस में किस तरह बदलते हैं वो हमने आज फिर देख लिया। अब आगे अगले नियम देखिए शुरू करेंगे जो एक्सक्लेमेटरी वगैरह में आएंगे। धन्यवाद।